न्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। अंतराज समय सार में एक बहुत पवित्र गाथा कुंद कुंद भगवान ने लिखी है। गाथा है, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिप्पदि नो लिप्पदि कम रैण दु कद्दम मज्झे जहां कणयम। गाथा है, बारिश के दिन हो गए हैं, बारिश के दिनों में धूल में पानी पड़ता है तो कीचड़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो कीचड़ के उदाहरण से आचार्य कुंद कुंद भगवान कुछ समझाना चाहते हैं कि नानी रागप पजहो सब दब्बे सुमज्ज गदो नो लिप्पदी कम रैण दु कद्दम मज्झे जहां कड़यम। कीचड़ में सोना फेंक दो, सोना फेंक देते हैं और 2-5-10 साल तक भी पड़ा रहे तो उसमें जंग नहीं लगती। गुरुदेव इसका एक अलग तरीके से अर्थ निकाल के जन सामान्य को प्रतिबोधित करने के लिए जो कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं इन संसारियों को देखो, जहां पर सिर्फ शरीर से काम चल सकता है वहां पर शरीर के साथ वचन भी लगाते हैं, और संसार इतना अच्छा है कि वो शरीर और वचन से चल जाता। शरीर से काम चलता है तो चला लो, नहीं काम चलता है तो शरीर के साथ वचन का प्रयोग कर लो। लेकिन संसारी ऐसा है कि शरीर और वचन का प्रयोग करने के साथ साथ उसमें अपना मन भी लगा लेता है। संसार के जितने काम करते हैं सब पूरा का पूरा मन लगा के करते हैं। हिंसा करते हो तो मन लगा के, क्रोध करते हो तो मन लगा करके। महाराज हिंसा मन लगा के नहीं करते, अरे उदाहरण दिखाते हैं तो समझ में आता है। जब भी बाजार में कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए घर में जब लेकर के जाते हो तो उसमें भी क्या अच्छा और खराब नहीं देख सकते, देखते होंगे। कंपनी का देना अच्छा वाला, क्यों? सारे के सारे बिल्कुल एंटी बैक्टीरिया होना चाहिए, एक भी जीवाणु नहीं रहना चाहिए। शरीर लगा करके करते काम बन जाता, वचन लगा के करते काम बन जाता। लेकिन संसार आपका इसलिए टिका है कि संसार की सारी क्रियाएं आप शरीर लगा करके, वचन लगा करके और मन लगा करके भी करते हैं। हर कृत्य आपका संसार में मन लगा करके। झूठ बोलते हो तो कैसे, ऊपर ही ऊपर से बोलते हो, अंदर कभी ऐसा लगता है कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूं इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, नहीं भैया मैंने नहीं लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अंदर से आदमी मन लगा करके झूठ बोलता है, मन लगा करके हिंसा करता है, परिग्रह का संचय भी करता है तो वो भी मन लगा करके, कुशील सेवन में इत्यादिक में। बिना मन के तो वो शरीर भी जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां भी जाना पड़ता है। 5 के 5 पाप संसार में जितने भी होते बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं मन लगा करके। फिर बोले ज्ञानी इसी संसार में रहते हुए उन क्रियाओं को करते हुए भी अपने मन को हटा देता है। फिर क्या है, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुमज्ज गदो। फिर वो ज्ञानी उसी राग की परिणतियों के बीच में बैठा हुआ भी सारे के सारे परिणति भावों में से मानसिकता मन को हटा लेता है। मजबूरी है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन मन लगा के कर रहे हो तो संसार गड़बड़ है।
लेकिन संसार में ऐसी मति मारी जाती है कि जहां मन लगा करके सब काम करना चाहिए, वहां शरीर लगा करके सारे काम किए जाते हैं। मंदिर जी जब आप आते हैं तो मंदिर जी में कितने लोगों का मन लगता है, कितने लोगों का आप बताओ, कितने लोगों के वचन लगते हैं, कितने लोगों का शरीर लगता है। तो संसार में सारे काम जो शरीर से और वचन से होने चाहिए थे, उसमें आपने तीनों चीज जोड़ दी, मन भी जोड़ दिया, वचन भी जोड़ दिया और काया भी जोड़ दी। और मंदिर जी में जहां पर आपके सारे काम अधिकतम शक्ति संपन्न होते थे मन से, उसमें आपने शरीर को तो खड़ा कर दिया, वचन में भी आपने अच्छी अच्छी पूजाओं को खड़ा कर दिया। आकर के देखा कभी मन कहां पर खड़ा है? हाँ महाराज, आप जब देशना देते हैं तो ऐसा महसूस होता है अंदर कि वास्तव में शरीर से पूजा करते हैं, वचन से करते हैं, लेकिन उस समय भी उपयोग कहीं और रहता है। तो ये उपयोग बिगड़ ना जाए, ये उपयोग कहीं हमारे बच्चों को खराब ना कर दे, तो एक माँ और पुत्री दोनों एकाकी जीवन जीते थे। उस जीवन में माँ की हमेशा इच्छा रहती थी कि बच्ची को सबसे अच्छे संस्कार दें, जितना अच्छा सिखा सकते हैं बच्ची को सिखाएं। चूंकि माँ का पति नहीं था, माँ थी एक पुत्री थी, अब ये दोनों को जीवन जीना, माँ को भी इस बात की चिंता रहती थी कि ये जब बड़ी होकर के यौवनवती होगी, किसी और घर में जाएगी, तो वहाँ के घर को भी सुशोभित कर सके, संस्कार ऐसे देने हैं। माँ प्रत्येक समय सजग रहती। छोटी सी बच्ची एक दिन माँ से प्रश्न पूछती है, माँ ये जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार। माँ ऐसा देखती बच्ची को, बोले माँ बताओ तो, बताओ कि इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी सब मधुमक्खी से डरते क्यों हैं? सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में माँ सोचती है कि बच्चों के प्रश्न भी बड़े अजूबे रहते हैं। तो प्रश्न सुना कि ना मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी मधुमक्खी से सब डरते हैं। माँ ने धीरे से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और एक शब्द कहा, बेटा मधुमक्खी के पास तोप और तलवार तो नहीं है, लेकिन एकता है, एकता के कारण उस मधुमक्खी से सब डरते हैं। बच्ची को बात समझ में आ गई। आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आप देखिएगा। आप जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में आप अपने अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, जबकि मधुमक्खी सब एक साथ एकत्रित होकर के उस छत्ते के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषार्थ करती है। मधुमक्खी पुरुषार्थ करती है, हम सबका एक छत्ता है, इस छत्ते में हम अपना अपना पुरुषार्थ करके छत्ते को सुरक्षित रखें। और उस मधुमक्खी की एकता से हम सीख नहीं ले पाए, उस मधुमक्खी के पुरुषार्थ से सीख नहीं ले पाए, और अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हम अपने ही परिवार में रह करके परिजनों का विरोध करते हैं, तो फिर एक महाभारत शुरू होती है। माँ ने बच्ची को बहुत अच्छे से समझाया, बेटा एकता है ना, इसलिए मधुमक्खी से सब डरते हैं। आपके परिवार में भी जब तक एकता रहेगी ना, खानदान का नाम बहुत ऊंचा रहेगा। बड़कुल खानदान है, सवाई सिंघई है, सिंघई है, सेठ हैं, देवड़िया हैं, श्रीमंत सेठ हैं, कैसे कैसे खानदानों में बाहर के टैग लग गए हैं, अंदर देखना है कि घुन कितना लग गया है। टैग तो बहुत अच्छा है, हम देवड़िया हैं, हम सेठ हैं, हम श्रीमंत सेठ हैं, अब ये देखना है कि जिस शब्द के आगे टैग लग गया है ऊंची ऊंची पदवियों का, उनके अंदर घरों में घुन लगी है कि नहीं। कितनी भी अच्छी लकड़ी हो, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो घुन लगती है।
हर दो चार साल में पोतना पातना पड़ता है, उसको कुछ पाउडर लगाना पड़ता है, फिर सालों साल सुरक्षित रहते हैं। अपने अपने सबसे पहले परिवार को देखिए, खानदान में पूर्वजों का इतिहास देखिए, फिर आज की वर्तमान स्थिति देखिए, अपनी कसाई देखिए, फिर मधुमक्खी के उस छत्ते का उदाहरण से देखिए जो उस माँ ने छोटी सी बच्ची को सिखा दिया, बेटा एकता की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत होती है। कुछ मधुमक्खियाँ हट जाती हैं ना, और वापस अगर अपने छत्ते के अपने ही उस छेद पे नहीं आ पाती तो आपको उनका हश्र बताते हैं, उसी छत्ते के नीचे वो मरी हुई पड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनका भी छायोपशमिक ज्ञान है। कई बार ऐसा होता है कि छायोपशमिक ज्ञान का ऐसा प्रभाव रहता है कि थोड़ा भी ज्ञान या उपयोग की धारा हटी और उसी छत्ते के आसपास भुनभुनाने के बाद भी उनको छत्ते में अपना छेद दिखाई नहीं देता, और ज्यादा देर छेद से दूर रहती हैं तो नीचे गिर करके मर जाती है, उनको कोई मारता नहीं है। विज्ञान है सीखने का, अगर हम सीख पाए तो। तो माँ ने उस बच्ची को छोटे से बच्ची में सिर में हाथ फेर करके बता दिया, बेटा एकता के कारण बिना तोप और बिना तलवार के लोग आपसे डरते हैं। समाज हो, परिवार हो, संस्कृति हो या देश, जरूरत रहती है एकता की। जितनी बार ये पूरा भारतवर्ष लूटा गया उतनी बार लूटे जाने का सिर्फ एक ही कारण था, अहम भाव। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। जब अहम की अग्नि हृदय के अंदर जलती है तो वो गुरु से भी मान चाहता है व्यक्ति। कैसा? जब यहाँ पर मुगलों ने शासन किया तो मुगल मिलकर के लड़ते थे और भारतवर्ष से सिर्फ क्षत्रिय लड़ता था, ब्राह्मण नहीं लड़ता था, वैश्य नहीं लड़ता था। एकता नहीं थी, सामर्थ्य बहुत थी लेकिन वर्ग विशेष के अंदर। परिणाम निकला 800 साल तक गुलाम रहे। दोबारा जब अंग्रेज आए फिर वही कांड हुआ कि सिर्फ फौज लड़ेगी बाकी नहीं लड़ेंगे, और वहां पर से सब लड़ते चले आए। उन्होंने शासन किया 250 साल तक। अब उनकी बनाई पॉलिसी से हम उनके गुलाम बनेंगे अगले 2000 साल, क्योंकि एकता नहीं है। एकता की बहुत बड़ी जरूरत। बेटी ने उस संबोधन को सुना और आई गई बात हुई और चली गई। जैसे ही वो अपनी मौसी के यहाँ पहुंची, तो मौसी धान कूट रही थी, मौसी। तो बच्ची मौसी को दूर से बैठ करके देखती है, ये तो माँ की बहन है। धान कूटने के लिए उस समय जमीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं, और कूटने के लिए लोहा ना होकर के लकड़ी का एक बहुत बड़ा मूसल रहता है, ओखली और मूसल, तो वो जमीन में बनी रहती है। आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी क्योंकि आजकल हॉलर आ गए हैं। पहले उसमें उस मूसल से उसमें चावल डाल दिया और मूसल फेंकते रहे तो कूटता रहा। तो देखा उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने, कि मौसी के गोदी में एक छोटी सी बच्ची सो रही है। तो मौसी पैर हिला हिला करके उस बच्ची को बहलाए रखी है कि इसकी नींद न टूट जाए। बड़ा भैया जो है वो मौसी का, वो सामने खेत पे खेल रहा है। तो मौसी की जो दृष्टि है वो बड़े भैया की तरफ है कि खेल में खेलते खेलते कहीं कुआं में गिर न जाए। मौसी के एक हाथ में धान है और एक हाथ में मूसल है। अब चार काम मौसी एक साथ कर रही है। गोदी में बच्चा खिला रही है, आंख से अपने बड़े पुत्र को देख रही है, एक हाथ से डिब्बा से धान निकाल रही है, दूसरे हाथ से मौसी के हाथ से मूसल बराबर बार बार कूटा जा रहा है। उसी बीच में मूसल को कूटना वो बंद नहीं कर रही,
और उसी बीच में नीचे की उस जो भाग था जहां गड्ढा था उसमें से धान बाहर भी निकाल लेती है और अलग भी कर लेती है और उसके बाद उसमें नया धान डाल भी देती है। उसके एक और आश्चर्य देखा तो माँ से पूछती है जाकर के कि माँ बड़ा आश्चर्य देखा क्या कि मासी जो है वो धान कूट भी रही है, उधर देख रही है, इधर कूट रही है, गोदी में बच्चा खिला रही है, एक हाथ से धान हटा भी रही है, उसी हाथ से डाल भी रही है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। बोले माँ आश्चर्य की बात तो ये है कि मूसल लगातार चल रहा है लेकिन मौसी के हाथ के ऊपर नहीं पड़ रहा, मौसी का हाथ एक भी बार नहीं दबा मूसल में और सारे चार काम एक साथ बराबर हो रहे हैं। तो ये घोर आश्चर्य है। मां कहती है बेटा ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जब भी पाप बंध का समय आता है उस समय अपने आप हाथ खींचने की कला सिखा दी जाती है। उदाहरण छोटा सा है, सीख बहुत बड़ी है। क्या जब दुख का समय आए, पाप करने का समय आए, वेदना का समय आए तो क्या करती है मौसी, अपना हाथ खींच लेती है। हाथ खींच लिया जैसे मौसी ने, उसकी मां ने बच्ची को समझाया कि बेटा ठीक ऐसे ही जब कर्म बंध का समय आता है तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, आस्तिक जो होता है, वो क्या करता है, अपना हाथ खींच लेता है। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जब आप लोगों को लड़ने झगड़ने का मौका मिलता है, जब कोई विवाद हो रहा होता है, तब आप अपना हाथ खींचते हैं कि चला करके उसमें तेल डालते हैं और अपना हाथ डालते हैं, क्या करते हैं? महाराज संसार तो ऐसे ही चलता है। कैसा भैया? बोले झगड़ा होगा तो पहले देखने के बहाने से ढूंकेंगे, फिर धीरे से शर्ट पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, बोले भैया दो मिनट आ रहे हैं, और पता चला कि उसके तो बच गए, बचाने वाले के 32 के 64 दांत टूट गए। क्यों? ये बीच में मीडिएटर बन के गए थे समझाने के लिए और बीच में कूंद पड़े। हमारी आदत है कूंदने की, जबकि माँ बच्ची को सिखा रही है क्या, बेटा कर्म बंध का समय आए अपना हाथ खींच लो, क्रोध का समय आए हाथ खींच लो, लोभ का समय आए अपना हाथ खींच लो। माँ को, माँ की बात बच्ची को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बच्ची शांत। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम्ब मज्जगदो, नो लिप्पदी कम रैण दो कद्दम मज्जे जहां कड़यम। गाथा है कुंदकुंद भगवान की। उन्होंने कहा ज्ञानी कभी भी किसी प्रकार के कर्म से बंधता नहीं। माँ उस बच्चे को इस गाथा के साथ जीवन जीने की शैली छोटे छोटे उदाहरणों से सिखा रही है। घर के छोटे छोटे उदाहरणों से कितना सिखा दिया, सिखाते 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 एक दिन वो कन्या बड़ी हो गई और उसके विवाह का समय आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।